संसद का सत्र 23 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इसके तहत 25 फरवरी को रेल बजट और 29 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। संसद का यह सत्र दो चरणों में होगा। पहला चरण 23 फरवरी से 16 मार्च तक, जबकि दूसरा चरण 25 अप्रैल से शुरू होकर 23 मई तक चलेगा। सर्वदलीय बैठक में संसद के बजट सत्र की तारीख पर सहमति जताए जाने के बाद इसका ऐलान किया गया। 26 जनवरी को सदन में आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा, जिसके बाद 29 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली देश का आम बजट पेश करेंगे। सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 23 फरवरी को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। इसी बीच जेडीयू अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि बजट सत्र में दिन कम नहीं होने चाहिए, भले ही पूरे सेशन एक साथ करवा लिया जाए। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि विपक्ष चर्चा करे, कामकाज बाधित न करे। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।